देखिए, हम जानते हैं कि आपको इंटरनेट पर किन प्रकार के गलत जानकारियों से आमना सामना हो सकता है। सबसे पहले बात करते हैं मीम्स के बारे में। मीम्स यानी अलग अलग तस्वीरों का कोलाज या एक तस्वीर जिस पर लिखा हुआ कोई टेक्स्ट। इस टेक्स्ट का उद्देश्य आपकी भावनाओं को उकसाना है। आमतौर पर यह कोई मजाकिया टेक्स्ट होता है, लेकिन यह भी हो सकता है कि आपको चिढ़ाने या भड़काने के लिए भी लिखा जाए। अक्सर इनमें सिर्फ एक तरफा बात लिखी जाती है जिनका कोई आधार नहीं होता। और हाँ, ये इसलिए खतरनाक है क्योंकि इन्हें कोई भी आसानी से बना सकता है और आसानी से फैला भी सकता है। जरा सोचिए, आपने पिछली बार कब एक मीम शेयर किया था? फोटो और वीडियो का इस्तेमाल सच को तोड़ने मरोड़ने के लिए भी हो सकता है। कभी कभी इन्हें बिना किसी संदर्भ या एक गलत संदर्भ में पोस्ट किया जाता है। इनमें एक गलत तारीख या लोकेशन लिखी होगी, या तो इन्हें फोटोशॉप पर एडिट किया गया होगा और या फिर ये पूरी तरह से फर्जी होगी। मिसाल के तौर पर इन तस्वीरों को ही देखिए। जब भारत में नोटबंदी की घोषणा हुई थी, एक घंटे के अंदर व्हाट्सएप पर 2000 के नए नोट्स में एक नैनो जियो पोजिशनिंग सिस्टम यानी GPS ट्रैकिंग डिवाइस लगे होने की अफवाह घूमने लगी। इसमें यह कहा गया था कि अगर कोई काला धन छुपा के रखता है तो ये चिप अधिकारियों को तुरंत सिग्नल भेजकर अलर्ट कर देगी। कुछ लोगों ने फटाफट इन तस्वीरों को सोशल मीडिया पर शेयर कर दिया, जिससे ये अफवाह आग की तरह फैल गई। अब बात वीडियोस की। झूठे और भ्रामक वीडियो तैयार करना एक मुश्किल काम है। इसके लिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और डीप फेक जैसे टूल्स की जरूरत पड़ती है। वही कुछ वीडियो ऐसे भी हैं जिसे साधारण और सस्ते वीडियो एडिटिंग सॉफ्टवेयर से एडिट किया जाता है। किसी व्यक्ति के वीडियो से छेड़छाड़ करने के लिए उसकी आवाज की गति धीमा कर दी जाती है, ताकि ऐसा लगे कि वीडियो में बोलने वाला व्यक्ति नशे में बात कर रहा है, या फिर ऐसा दिखाया जाएगा कि वो कुछ ऐसा बोल रहा है जो वास्तव में उसने कहा ही नहीं था। उदाहरण के लिए ये वीडियो देखिए, जिसमें ऑस्ट्रेलियन क्रिकेटर डेविड वार्नर कोल्ड ड्रिंक की बोतलें हटाते हुए नजर आ रहे हैं। Can I move this? Do I have to put it there? It's good enough for Cristiano, it's good enough for me. That's right. इस वीडियो के साथ ये दावा किया गया था कि वार्नर ने फिलिस्तीन के प्रति समर्थन जताते हुए एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान सामने रखी कोका कोला की बोतलें हटा दी, लेकिन यह दावा झूठा है। दरअसल ये वीडियो लगभग 3 साल पुराना है और इसका इजराइल हमास संघर्ष से कोई लेना देना नहीं है। यानी ये वीडियो पूरी तरह झूठे दावे के साथ शेयर किया गया और एक पुराने वीडियो को नया बताकर पेश किया गया है। सच्चाई ये है कि डेविड वार्नर ने बोतलें जरूर उठाई थी, लेकिन फिर वापस भी रख दिया था। आपको इस प्रकार की झूठी जानकारियों से सावधान रहना है। ऐसे डीप फेक और छेड़छाड़ किए गए वीडियो से बचना होगा। भले ही इस तरह के झूठे वीडियो बनाना और लोगों के बीच फैलाना आसान है, लेकिन आपको अगर ये पता रहे कि इसकी पहचान कैसे होगी तो इनकी असलियत जानना भी आसान होगा। AI से बनाए गए वीडियो को पहचानने के संकेत उसमें दिखने वाले व्यक्ति की आंखों, बालों और उंगलियों में देखे जा सकते हैं। अब इस छठी उंगली को देखिए। वहीं डीप फेक्स में आपको इस चेहरे के स्किन टोन में फर्क देखने को मिलेगा और आंख चपकाने की गति भी थोड़ी अजीब लगेगी। इन टिप्स के जरिए आप ऐसे झूठ पकड़ सकेंगे और इंटरनेट की दुनिया में मौजूद ढेर सारी जानकारियों के बीच सुरक्षित तरीके से गुजर सकेंगे।